हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में, या आप इसे कंकर्ड भी कह सकते हैं और कई लोग इसे सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। बट बात एक ही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मोस्टली सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स आ जाते हैं। इसमें नाउन रिलेटेड रूल भी होते हैं, प्रोनाउन के, वर्ब के, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, सभी से रिलेटेड रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में शामिल होते हैं। तो आज का टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक सीख के आप इंग्लिश ग्रामर पे कमांड बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस की वर्ब है वो आपस में एग्री होने चाहिए। इसका मतलब ये है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। अब फ्रेंड्स, ये बात तो मोस्टली सभी को पता होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो सब्जेक्ट है उसका हम पता नहीं लगा पाते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिनको हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा या प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। अगर किसी नाउन में एस या ई एस अगर ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर किसी वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये बात हमेशा माइंड में रखना, किसी नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है और वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो अगर किसी वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब है, और अगर नाउन में एस या एस लगा हुआ है तो पहचान सकते हैं कि ये प्लूरल नाउन है। तो हम देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इधर लिखा हुआ है वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, और ही सी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था वर्ब में ऐसे एस लगाने से सिंगुलर बनती है, और जो हेल्पिंग वर्ब है टेंसेज की, और जिस हेल्पिंग वर्ब में एस है लास्ट में वो भी सिंगुलर होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करें तो उसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। तो कौन सी ही सी इट के साथ आएगी, कौन सी आई वी यू दे के साथ, मतलब कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। तो इसका सिंपल सा रूल है, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस है वो सिंगुलर के साथ यूज होगी। तो यहाँ पे जो डू है ये वी यू दे यानी प्लूरल के साथ यूज है, और यहाँ पे जो डज है इसमें एस है तो ये सिंगुलर के साथ यूज होगी। इसी तरह अगर मैन वर्ब हो गो रीड, तो जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, जैसे यहाँ पे गो है और रीड है। अगर इसमें एस या ई एस ऐड कर दें तो ये सिंगुलर बन जाती है, तो गोज और रीड बन गया। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, तो जो आर है वो प्लूरल के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है वी यू दे के साथ यूज होगी, और जो इज है वो ही सी इट, इज में एस है यानी ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब होती हैज में एस है तो इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, और हैव है वो प्लूरल के साथ। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसमें भी हैज बीन हैव बीन है, तो उससे हम समझ जाएंगे हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो उस सभी के साथ डिड का यूज होगा, उसमें कोई याद करने की बात नहीं है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें वॉज एंड वर, तो जो वर है वो प्लूरल के साथ वी यू दे के साथ, और वॉज इसमें एस है तो ये ही सी इट के साथ यूज होगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड जो कि सभी के साथ यूज होगी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन वो भी सभी के साथ यूज होती है। अब हम बात करते हैं आई की। देखिए फ्रेंड्स, वी यू दे प्लूरल होता है, ही सी इट सिंगुलर होता है। अब जो आई है वो होता तो सिंगुलर है लेकिन रिएक्ट मोस्टली प्लूरल की तरह करता है। रिएक्ट का मतलब है इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होगी वो प्लूरल की यूज होगी,
सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम का यूज होता है, जो कि इसकी सेपरेट है। एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होता है। इसके अलावा जो भी ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उनका यूज होगा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई के साथ डू का यूज होगा, कॉन्टिन्यूस में मैंने बता दिया एम है, उसके बाद परफेक्ट में हैव का यूज होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज का यूज होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस वर्ब के बाद एस या एस लगाते हैं वो सिंगुलर बन जाती है, और अगर नाउन के बाद एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये बेसिक सी बातें थी, चलिए अब हम रूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला रूल दिया हुआ है, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम एंड श्याम वॉज प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, उस समय राम और श्याम हॉकी खेल रहे थे। तो यहाँ पे राम एंड श्याम, सब राम हो गया सब्जेक्ट वन और श्याम हो गया सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे वॉज है तो वॉज है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसकी जगह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम वर्क का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, राम एंड श्याम वर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यू एंड ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन मंडे। यू सब्जेक्ट हो गया एक और ही दूसरा सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे वो सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑन मंडे, तुम और वो मंडे को मीटिंग में उपस्थित थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और फर्स्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। फ्रेंड्स ऐसा क्यों, देखिए फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज है और सेकंड नाउन से पहले यूज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो पर्सन है वो एक ही है, ये जो दो नाम दिए हुए हैं वो एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं, और अगर दोनों से पहले आर्टिकल का यूज है तो इसका मतलब ये दो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। आप एग्जांपल देखिए ताकि अच्छे से समझें। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, द क्लर्क एंड काउंसलर वर अब्सेंट टुडे, क्लर्क और काउंसलर आज अब्सेंट थे। तो यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, दो नाउन कनेक्ट है, क्लर्क और काउंसलर, तो यहाँ पे जो क्लर्क है उससे पहले आर्टिकल का यूज है और सेकंड जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो वर्ब की जगह हम वॉज का यूज करेंगे और इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज अब्सेंट टूडे, क्लर्क और काउंसलर जो एक ही व्यक्ति है आज अब्सेंट था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर इज वेरी हैप्पी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत खुश है। तो यहाँ पे द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एक नाउन है और डायरेक्टर एक नाउन है और दोनों एंड से कनेक्टेड है और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज है। जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे इज की जगह हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेरी हैप्पी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत खुश हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और उससे पहले ईच या एवरी का यूज हो, या दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, चाहे फर्स्ट नाउन से पहले हो या चाहे दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज हो, उनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी।
तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर गिवन ए प्राइज। तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दो नाउन है और एंड से कनेक्टेड है और दोनों से पहले ईच का यूज है, और जब ईच का यूज हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, तो जो वर है वो प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म वॉज का यूज होगा। तो यहाँ इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन ए प्राइज। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एवरी सोप एंड हाउस वर सर्च्ड। तो यहाँ पे सोप एंड हाउस दो नाउन है और ये एंड से कनेक्टेड है, और जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले एवरी का यूज है, नाउन से पहले एवरी का यूज हो, चाहे वो दोनों नाउन से हो या फर्स्ट नाउन से पहले हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ वर्ब की जगह सिंगुलर वॉज का यूज होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा एवरी सोप एंड हाउस वॉज सर्च्ड। प्रत्येक दुकान और घर सर्च किए गए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ। उनके बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा और उनके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। देखिए फ्रेंड्स, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद जो नाउन होगी वो तो प्लूरल होगी, बट इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल दिया हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड सम हेल्प। अब यहाँ पे वन ऑफ और उसके बाद माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल नाउन है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। अब यहाँ पे जो नीड है ये प्लूरल वर्ब है, अभी मैंने बताया था अगर एस या ई एस एड है तो सिंगुलर वर्ब है, अदरवाइज प्लूरल। तो यहाँ नीड है, इसमें एस ए एस नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है, तो इसका सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम इसमें एस ऐड कर देंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प। मेरे दोस्तों में से एक को किसी मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल नाउन होगी, बट जो आगे वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। Neither of the two roads are going to be repaired. दोनों रोडों में से कोई भी रिपेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे neither of के बाद जो roads plural noun है और इसके बाद जो verb होगी वो singular verb होगी, तो are है वो plural है, तो इसका singular होगा is, तो इसका correct sentence बनेगा neither of the two roads is going to be repaired. तो I hope आपको clear हो गया होगा। चलिए next rule देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। इनके बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल नाउन होगी, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आती है या काउंटेबल नाउन आती है तो प्लूरल फॉर्म में होगी, तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। और अगर इन वर्ड्स के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। आप एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से समझ सके। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाफ ऑफ द बुक्स वॉज यूजलेस। जो बुक्स हैं उनमें से आधी यूजलेस थी, कोई काम की नहीं थी। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द बुक्स, अब हाफ ऑफ के बाद जो बुक्स है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल में है, काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल में है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। तो यहाँ वॉज की जगह हम यूज करेंगे वर, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा हाफ ऑफ द बुक्स वर यूजलेस। जितनी भी बुक्स थी उनमें से आधी कोई काम की नहीं थी, यूजलेस थी। तो यहाँ पे हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाफ ऑफ द लैंड आर अनफर्टाइल। अब यहाँ पे हाफ ऑफ का यूज है और इसके बाद लैंड यानी जमीन जो कि अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। यहाँ पे आर है प्लूरल है जो कि रॉन्ग है, आर की जगह हम इज का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा Half of the land is unfertile. जितनी भी जमीन है उनमें से जो आधी है वो अनुपजाऊ है। तो I hope आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो words दिए हुए हैं इनके बाद अगर
काउंटेबल नाउन हो प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, और ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको एक बात याद रखनी है, जब ए का यूज हो तो प्लूरल होगी और द का यूज हो नंबर से पहले तो सिंगुलर होगी, उल्टा सिस्टम है। इनका मतलब क्या है वो समझिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। द नंबर ऑफ का मतलब है संख्या, किसी भी चीज की संख्या। जैसे मैं ये कहूँ द नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत से, ए नंबर ऑफ बॉयज मतलब बहुत से लड़के, तो यानी ये प्लूरल वर्ब आएगी इसके बाद। आप एग्जाम्पल देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वर 10। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ का मतलब संख्या, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या अपीयर्ड इन द एग्जाम, जो कि एग्जाम में अपीयर हुए, वर 10, उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। तो यहाँ पे संख्या है विद्यार्थियों की संख्या जो एग्जाम में अपीयर हुए 10 थी, तो यहाँ पे जो संख्या है उसको डिनोट करा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है द नंबर ऑफ। तो यहाँ पे जो वर है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वॉज 10। वर की जगह हम वॉज कर देंगे, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी बट जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। अगर ए नंबर ऑफ की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द एग्जाम, तो यहाँ ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रेजेंट थे, तो यहाँ ए नंबर ऑफ है ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो यहाँ वॉज की जगह हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एग्जाम, बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रेजेंट थे। तो आपको ये याद रखना है द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव हो और उससे पहले आर्टिकल द का यूज हो तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। अब इस तरह के सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो एज ए नाउन वर्क करता है, नाउन की तरह कार्य करता है, और वो हमेशा प्लूरल होता है। जो एडजेक्टिव वो अपनी पूरी क्लास के मेंबर्स को डिनोट करता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब यहाँ पे रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते, तो यहाँ पे जो रिच है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। जो रिच है वो एडजेक्टिव है और ये एज ए नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये जो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है एज ए सब्जेक्ट हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और उसके बाद जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे इज है ये सिंगुलर है, इसकी जगह हम आर का यूज करेंगे और इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते। तो रिच का मतलब है यहाँ पे रिच पीपल, अमीर लोग। अब यहाँ पे इसको रिचेज करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल ही है, और ना ही इससे पहले हम ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का ही यूज होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द ओल्ड इज जनरली नेग्लेक्टेड, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड का मतलब है ओल्ड पीपल, उनको अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो ओल्ड है उससे पहले द का यूज है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज है जो कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे इज की जगह हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।